राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कार्यक्रम रोज नहाओ। गीतू, ओ गीतू। हाँ, क्या है मंजू? आओ हम खेलें। देखो मैं अपनी गुड़िया लाई हूँ, तुम अपना गुड्डा लाओ, फिर हम गुड्डे गुड़िया की शादी करेंगे। आहा, बड़ा मजा आएगा, गुड्डे गुड़िया की शादी करेंगे। तुम अंदर बैठो, मैं अभी नहा कर आई, फिर खेलेंगे दोनों मिलकर। बाद में नहा लेना, अभी ऐसे ही खेलते हैं। मैं भी तो नहीं नहाई। ना भाई ना, मैं तो नहा कर खेलूंगी, फिर मेरा गुड्डा भी नहाएगा, तभी तो वो नहा धोकर शादी के लिए तैयार होगा। अरे गीतू, क्या तुम अपने गुड्डे को भी नहलाती हो? और नहीं तो क्या, मेरा गुड्डा भी रोज नहाता है, मैं भी रोज नहाती हूँ, देखो तभी तो मेरा गुड्डा कितना साफ है। मंजू, तुम रोज नहीं नहाती क्या? अपनी गुड़िया को भी नहीं नहलाती? एक दिन नहाओगी नहीं तो क्या होगा? जाओ, मैं नहीं करती अपने गुड्डे की शादी तुम्हारी गुड़िया के साथ। पहले गुड़िया को अच्छी तरह से नहलाओ, तब मैं अपने गुड्डे की शादी तुम्हारी गुड़िया से कराऊंगी। हम सबको रोज नहाना चाहिए, तभी तो हम सब साफ रहेंगे। जानती हो मेरी माँ ने क्या कहा है? क्या कहा है तुम्हारी माँ ने? रोज नहाओ, 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 साबुन मल मल 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 रोज नहाओ, अपने तन का मैल भगाओ, मैल भगाओ, मैल भगाओ, अपने तन का मैल भगाओ, मैल भगाओ, मैल भगाओ, मैल भगाओ सुस्ती हटाओ, मैल भगाओ सुस्ती हटाओ, मैल भगाओ सुस्ती हटाओ, मैल भगाओ सुस्ती हटाओ, रोज नहाओ, 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 साबुन मल मल 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 रोज नहाओ, 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 रोज नहाओ। मंजू, क्या तुम्हें पता नहीं, जब हम खेलते हैं तो हमें पसीना आता है, पसीने से शरीर में बदबू आती है। अच्छा, खेलने से शरीर पर मिट्टी भी जम जाती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, रोज नहाने से शरीर का मैल साफ होता है, गंदगी दूर हो जाती है। अच्छा, और पसीने की बदबू भी नहीं आती। रोज साफ पानी से नहाने से हमारे हाथ पैर मुंह सब साफ रहते हैं और सुस्ती भी नहीं आती। अच्छा, मेरी माँ कहती है अगर हम रोज नहाएंगे तो मिट्टी और गंदगी हमारे शरीर पर नहीं जमेगी, हम बीमार भी नहीं होंगे। जानती हो इससे क्या होगा? क्या होगा? साफ सुथरा शरीर रहेगा, साफ सुथरा शरीर रहेगा, स्वस्थ व चुस्त शरीर बनेगा, स्वस्थ व चुस्त शरीर बनेगा, सबका तुमको प्यार मिलेगा, सबका तुमको प्यार मिलेगा, रोज नहाओ, रोज नहाओ, रोज नहाओ, रोज नहाओ। सुथरा शरीर रहेगा, साफ सुथरा शरीर रहेगा, स्वस्थ व चुस्त शरीर बनेगा, स्वस्थ व चुस्त शरीर बनेगा, सबका तुमको प्यार मिलेगा।
रहेगा, सबका तुमको प्यार मिलेगा। रोज नहाओ रोज नहाओ रोज नहाओ रोज नहाओ। अच्छा गीतू, अगर मैं अपनी गुड़िया को रोज नहलाऊंगी तो तुम मेरी गुड़िया से अपने गुड्डे की शादी करोगी ना? ठीक है, पहले अपनी गुड़िया को अच्छी तरह नहलाकर साफ करो और तभी मैं अपने गुड्डे की शादी तुम्हारी गुड़िया से करूंगी। अब तो मैं भी रोज नहाऊंगी और अपनी गुड़िया को भी रोज नहलाऊंगी, ठीक है ना? अच्छा चलो, मैं अपने गुड्डे को नहलाती हूँ और तुम अपनी गुड़िया को नहलाओ। दोनों मिलकर अपने गुड्डे गुड़िया को नहलाते हैं। देखो टब में नहाने का पानी रखा है। अरे यहाँ तो नहाने का सब सामान रखा है, साबुन, पानी, मग, तौलिया, कपड़े। अरे वाह! चलो मंजू, गुड़िया के पहले कपड़े उतारो। क्या गुड़िया को ऐसे ही नहलाओगी? ऐसे? हाँ, अब मग में पानी लेकर गुड़िया पर डालो। ऐसे? हाँ ऐसे। अब साबुन उठाओ और गुड़िया को साबुन लगाओ। ठीक है। जैसे मैं अपने गुड्डे को नहला रही हूँ ना, वैसे ही तुम भी अपनी गुड़िया को नहलाओ। अच्छा। अरे अरे ऐसे नहीं, साबुन को बदन पर नहीं मलते। तो फिर कैसे? पहले साबुन का झाग बनाओ। अच्छा। खूब झाग बनाओ, ठीक है? अब इस झाग को अपनी गुड़िया के मुंह पर मलो। अरे अरे ध्यान से, झाग कहीं गुड़िया की आंख में ना चले जाए। अच्छा अच्छा। आंखों को बचाकर साबुन लगाओ। ऐसे? हाँ ऐसे, ठीक है। अब मुंह को पानी से साफ करो। अच्छा। हाँ अब तुम्हारी गुड़िया का मुंह साफ हो गया। हाँ गीतू, मेरी गुड़िया का मुंह अब कितना अच्छा लग रहा है। अरे भाई, अभी तो गुड़िया के बाल भी धोने हैं। देखो देखो बाल कितने गंदे हो रहे हैं, सब चिपक रहे हैं। अरे हाँ, गुड़िया के इन बालों को भी धो लो। अच्छा। बालों में साबुन लगाओ और खूब मलो। हाँ बालों में साबुन खूब मलो, अब ठीक है। अब बालों को पानी से धो लो। अब देखो बाल कैसे चमकने लगे। हाँ ये हुई ना बात। गुड़िया के हाथ पाँव भी तो साफ करो। और हाँ, हाथ पाँव पर साबुन लगाना मत भूलना। अरे मंजू, तुम फिर साबुन मलने लगी। भूल गई क्या कि साबुन का झाग बनाना है? हाँ हाँ अब ठीक है। अब साबुन के झाग को पैरों पर मलो, टांगों पर मलो, हाथों और शरीर के सब हिस्सों पर भी अच्छी तरह मलो। आहा गीतू, बड़ा मजा आ रहा है। मेरी गुड़िया को तो नहाने में बड़ा अच्छा लग रहा है। मंजू, मेरे गुड्डे को भी देखो, इसके शरीर पर भी झाग ही झाग है। अब चलो साबुन के झाग को धो ले। पानी, हाँ और पानी डालो। गीतू, अब तो मेरी गुड़िया भी साफ हो गई, बहुत सुंदर लग रही है ना? अब दुल्हन बनेगी मेरी प्यारी गुड़िया। मेरी प्यारी गुड़िया, ना कर सजेंगी।
पहले अपनी गुड़िया को ठीक से नहला तो लो। वह देखो, अभी कान के पीछे से मैल भी तो नहीं साफ हुआ। साबुन का झाग कान के पीछे भी मलो, अच्छी तरह मलो। अब पानी से धो लो। ओहो, अरे भाई, गुड़िया की गर्दन भी तो साफ करो। देखो मेरे गुड्डे की गर्दन कितनी साफ हो गई। तुम भी गुड़िया की गर्दन को साबुन के झाग से साफ कर दो और मैल भगाओ। अब पानी डालो और झाग लगाओ। जानती हूँ मंजू, जब मैं अपने गुड्डे को नहलाती हूँ तो बस यही गाना गाती हूँ। भी नहा ली और तुम्हारा गुड्डा भी नहा कर तैयार हो गया। चलो अब हम गुड्डे गुड़िया की शादी करते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है मंजू, अभी तो तुम्हें गुड़िया को तौलिए से पोंछना है। लो मैं तुम्हें तौलिया देती हूँ। लो दो। अब इस तौलिए से अपनी गुड़िया को अच्छी तरह से पोंछना। लो गीतू, अब तुम भी अपने गुड्डे को इस तौलिए से पोंछ लो। लो ना 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 ना, इस तौलिए से नहीं, मैं गुड्डे को इसके अपने तौलिए से पोंछूंगी। जानती हूँ मंजू, सबका अपना अपना तौलिया होना चाहिए। कभी दूसरे के तौलिए से अपना शरीर नहीं पोंछना चाहिए। अपने साफ तौलिए से अपना शरीर पोंछ लेना चाहिए। जैसे मैं साफ तौलिए से अपने गुड्डे को पोंछ रही हूँ। तुम ठीक कहती हो गीतू, सबको अपना अपना ही तौलिया लेना चाहिए। चलो अब अपनी गुड़िया का मुंह, हाथ, पांव, गर्दन और कान सब अच्छी तरह तौलिए से पोंछ लो। ऐसे? हाँ ऐसे, कहीं भी पानी ना लगा रह जाए। अब अपनी गुड़िया को साफ और धुले कपड़े पहनाओ। मेरी गुड़िया के पास तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, इसको तो बहुत सुंदर कपड़े पहनाऊंगी। देखो मंजू, नहाकर तुम्हारी गुड़िया कितनी अच्छी लग रही है। अच्छे और साफ कपड़े पहनकर ये तो और भी सुंदर लगेगी। अब तो मैं अपने गुड्डे की शादी तुम्हारी गुड़िया से ही करूंगी। हाँ, तब तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, तब तो बड़ा ही मजा आएगा। रोज नहाओ। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर बीनू भल्ला, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, कलाकार पल्लवी सरन और नीरजा गुलेरिया, संगीत महेंद्र सरीन, गायन स्वर कुक्कू माथुर और बच्चे, ध्वन्यांकन सतीश लाडे, निर्माण सहयोग वंदना निगम और निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरोत।